हुआ भुखाइल बा, बहुत भौंका था, चला जल्दी से। इले पिंटुआ के महबूबा का भी फोन आ गई, ई तो हमार जियल हराम के दे ले बा। चल अरे चल चल पोजीशन लेता रे, पिंटुआ भुखाई ला नाश्ता तैयार कर दे। ये बाल लाए पिंटू साहब, खा ले। अरे खा ले, करबे नाटक। अबे खो जा सर, खइबो तो खा ना तो मरब। का भइल हो यादव? अरे नवाब साहब खाते नहीं खनियार। फिर से खिसिया गेल बड़े का? खिसियाइल नहीं खे सार, अपने महबूबा के हाथ से खइए। सार खइबो तो खा ना तो जा मर। ल इनका महबूबा के फोनो आ गेल। ये बात जी जी मैडम। यादव पिंटू क्या कर रहा है, उसने अभी तक नाश्ता किया कि नहीं? अब नहीं मैडम, पिंटू साहब नाश्ता सूंघ के हट गए, खा ही नहीं रहे हैं। हाँ तो इतना लेट नाश्ता दोगे तो क्या करेगा? पिंटू साहब को फोन दो। जी हैं? पिंटू साहब के फोन दो। ये बात मैडम पिंटू साहब कैसे फोन पकड़िए? स्पीकर ऑन करके उसके कान के पास ले जाओ। बतियाला पिंटू माय डार्लिंग, देखो गुस्सा नहीं करते हैं बाबू, प्लीज खाना खा लो, प्लीज खा लो। देखा तारा करा के बड़का छिनरा महबूबा से बात होते गपर गपर खाए लगा। सरवा बड़का कुकुर। अरे सब ठीक ठाक तो बा ना? अरे मरते इतना काट रहा है गेला कि भूखे लगला, पागल कुकुर काटेला तब भूकेला। एक दूगो सुई ले ले बा पेट में, सब ठीक हो जाई। यादव सुकर मनावा पीछे कटला सा, आगे कटले होइता सारा तोनी के मजाक सुझाता रे। डंडा कावा लावा सॉरी पिंटू साहब, मर जाई। अरे भैया इका करता? एकदम ऐसे ही चुपचाप शांति से बैठा। पिंटू मैं आ गई, आई मिस्ड यू सो मच पिंटू। क्या हुआ? अरे अब तक मुझसे नाराज हो? अब तो मैं आ गई ना पिंटू। भाभी देखिए ना पिंटू को क्या हुआ, ये रो रहा है। बाद में फोन करता हूँ। तनी देखी ना कहा भाई? एक मिनट रुका रुका रुका। अरे ये तो चोट लगल है। अरे चोट? चोट किसे? यादव यादव। जी सर। का कहना है तो पिंटू के साथ, चोट किसे लगल? हम कुछ ना करी सर। फिर पिंटू बेबी को इतनी चोट कैसे लगी? तुमको जिम्मेदारी दी गई थी ना इसकी? यादव जवाब दो, तुम्हारे पे जिम्मेदारी डाला। कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो इनको टाइम से खाना नाश्ता दिया, सुसु मैदान भी करवाया, चाहिए तो पूछ लीजिए। लुक यादव मैं तुमको लास्ट बार पूछ रही हूँ, सच सच बताओ तुमने पिंटू बेबी के साथ क्या किया, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना। एक मिनट बताओ तू लोग क्या मर रहा पिंटू के? पिंटू साहब के तो हम देवता मान लिए। ना सर, पिंटू साहब तो हमार दूसरका साहब हवें। जी जी जी, पिंटू साहब तो हमार छोट भाई हवन, भला हम। देखो सही सही बतावा तू लोग, नहीं तो सबके सस्पेंड करब हम। सर हमनी के सस्पेंड ना करी, यादव लाठी से बहुत मरले बाड़े। इसकी इतनी हिम्मत, इसने पिंटू बेबी को लाठी से मारा? अमर वाली एक मिनट रुका, यादव तो पागल हो गए बाले का है, लाठी से मार रहा पिंटू के? सर क्या करें सर, हमको इतना गलत जगह काटे कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। वो तो सुई लगा पेट में तब जाके हमारा जान बचा, नहीं तो हम आपके सामने जिंदा नहीं रहते सर। सॉरी सर।
बस अंत पर रक्षा में थोड़ा एक दो डंडा सॉरी बोल बोल के मारे हैं सर, और ये हमको माफ भी कर दिए हैं। आप लोग भी माफ कर दीजिए सर। बकवास मत करो, डॉक्टर के लेके आओ, डॉक्टर के लेके आओ। यस सर, जी सर। ये सामान निकाला तू लोग। जी सर। घबरा मत, कुछ लो, कुछ लो, पिंटू ठीक हो जाएंगे। अवैध खनन, शराब, ड्रग्स, हत्या, बलात्कार, ये सब जघन्य अपराधन पर अंकुश लगावल चाहिए। और हमरा के जौन जिम्मेदारी मंत्री पद का दिहल गेल हौ, हम उसे भी ज्यादा ईमानदारी से काम करब, जनता जनार्दन से करल आपन वादा निभाई। सर, कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव में आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से? जबकि आप पहले छोटे मोटे अंडे की एक दुकान चलाते थे। का कहत हुआ, जब एगो पीछे वाला मंत्री बन सकेला तो हम तो अंडा बेचत रही, और रहल पैसा के बात तो हम जनता जनार्दन के सामने आपन झोली फैला देली, फिर पैसे पैसा पैसे पैसा। और बतावा, कुछ लोगों का कहना है कि आप जिले के बड़े बड़े माफियाओं से फंड लेकर चुनाव लड़े हैं और आप मंत्री भी बन गए हैं, तो क्या आप उनका ही सपोर्ट करेंगे? ये सब बेकार बात है, ये विरोधी पार्टी का प्रोपोगंडा हो। हाँ। आपके पार्टी के विधायक बब्बर सेठ, जो कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, सुना जा रहा है कि आप उनकी वजह से राजनीति में आए हैं। अरे बब्बर सेठ, बब्बर सेठ एगो बहुत बड़ समाज सेवक पाड़न। हाँ, उनका आशीर्वाद हमरा ऊपर बा। उनका नाम भी अवैध खनन और तमाम अपराधों में उछल रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अरे ये सब विरोधी लोगन का चाल बा, आप लोगन के पास कोनो सबूत बा का? सर, मीटिंग का टाइम हो गया, हमके विधानसभा में मीटिंग में जाए के बा, बाकी बातचीत बाद में हुई।